स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस पी डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन को हमने डिस्कस किया था अच्छे से। ठीक है, ग्रुप्स को हमने डिस्क्राइब किया था अच्छे से। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखिए जो स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एस पी डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल होती है कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन फोर ब्लॉक्स। ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म होती है पीरियोडिक टेबल की, उनको हमने फोर ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वो होते हैं एस पी डी एंड एफ। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स से हम स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है इसमें, एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। ठीक है, तो वो वाले हम एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का कौन सा ब्लॉक बनाते हैं? एस ब्लॉक बनाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो इसमें वर्ड आया है आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, जो आउटर मोस्ट एनर्जी शेल या इसको हम लेवल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं कि आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल क्या होता है और वेलेंस एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो वीडियो को आप टिल लास्ट तक देखें। ठीक है, तो जो इनमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, मैं आपको सब क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अच्छे से आपको समझा दूँगी, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल होता है ना, जो वेलेंस शेल होता है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है, वो वेलेंस शेल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को टिल लास्ट तक देखें, आपको आउटर मोस्ट एनर्जी शेल और जो आपको और कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में या अदर पी ब्लॉक, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, आपको सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये वाले जो ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं कंसिस्ट एलिमेंट्स ऑफ, इनमें ग्रुप्स वन और ग्रुप्स टू वाले एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप्स वन में कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स, ठीक है, वो वाले आते हैं इसमें। और ग्रुप टू में कौन से होते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। क्लियर हो गया ना? तो तभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लूँगी। ठीक है, जहाँ तक आपको हो गया होगा क्लियर। ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो देन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके वेजे में ये बात पढ़नी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे हम। आपके वेजे में ये बात पढ़नी चाहिए कि आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है, और हमारे पास एक और वर्ड यूज़ होता है डी ब्लॉक के केस में, अल्टीमेट शेल। ठीक है, तो उनको तो आप छोड़ो। ठीक है, वो भी आ जाएंगे इस वीडियो में, थोड़े से टाइम बाद ही आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इस पे कंसंट्रेट करो। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, हमारे पास NS1 एंड NS2 होता है। वन एंड टू का क्या मीन्स हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो हमारे पास एल्की मेटल्स होंगी, ठीक है, उनमें NS में क्या होगा? वन इलेक्ट्रॉन ही एंटर कर पाएगा। और एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या करेगा? NS2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहाँ पे। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये है एल्कली मेटल्स का। क्लियर है, ये है एल्कली मेटल्स का। तो जो हमारे पास एन वर्ड है, जहाँ पे एन स्टैंड्स फॉर आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, आ गया ना फिर से पंगा आ गया आउटर मोस्ट एनर्जी शेल का, तो इसे हम वेलेंस शेल भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। वेलेंस शेल और अल्टीमेट शेल, वीडियो के, ठीक है, एंड में आपको मैं बताऊंगी ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देन हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? ठीक है, वो वाले एलिमेंट्स इन विच जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एंटर करेगा पी ऑर्बिटल में ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल तो हरेक किसी में घुसेगा ही। ठीक है, हरेक ब्लॉक वाले एलिमेंट में आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल तो वर्ड आएगा ही, तो ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो जे वाले एलिमेंट्स होते हैं इनमें ग्रुप्स कैसे होते हैं? 13 to 18। ठीक है, तो इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इनको बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, लाइक स्टार्ट कैसे होते हैं? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैसेस। ठीक है,
18 ग्रुप में हमारे पास कहते हैं ग्लोबल गैसेस आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी कराए मैंने सोचा। देन हमारे पास है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जर्नल क्या हो गया, एस में तो इलेक्ट्रॉन डलेंगे ही डलेंगे, ठीक है। एन एस तो हमारे पास है, जो हमारे पास आउटर मोस्ट इसमें क्या है, एन पी वाला सबशेल, ठीक है। तो इनमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एन पी, 1 2 6, क्लियर है। तो देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी डी ऑर्बिटल ऑफ देयर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंज है, इसमें स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं, डेफिनेशन में ही कंफ्यूज होते हैं। और जे वाला जो वर्ड आता है ना, जे तो सिर पे पहाड़ ही गिर जाता है, जो नल्टीमेट वर्ड आता है। तो जो हमें है ना, इसमें पेनल्टीमेट नहीं बोलते इसको, जो पी वर्ड है ना यहाँ पे सबसे पहले वो क्या है, साइलेंट है, पी नहीं बोलनी हमने, ठीक है, नल्टीमेट बोलना है, ठीक है। तो सिर में पहाड़ आके गिर जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, अच्छा सा चल रहा था, एस ब्लॉक भी हो गया था, पी ब्लॉक भी हो गया था, ठीक है। तो डी ब्लॉक में पता नहीं कौन सा पहाड़ आ गया, जनल्टीमेट क्या है, जनल्टीमेट क्या है भाई, ठीक है। इसको भी आप हम नेक्स्ट जो है, ठीक है, कुछ सेकंड्स में और जो कुछ मिनट्स में आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो लास्ट बट वन, ठीक है, जो लास्ट होता है, ठीक है, शेल और बट वन होता है, उसे हम नल्टीमेट एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए तो आप ऐसे ही याद कर लें, ठीक है। तो कुछ ही सेकंड्स में और कुछ ही मिनट्स में आपको ये क्लियर होने वाला है, ठीक है। लास्ट बट वन कार्ड इन अल्टीमेट एनर्जी लेवल। तो इसमें ग्रुप्स कौन से आते हैं, 3 to 12, जो हमारे पास क्या होते हैं, एस, ठीक है, इधर होते हैं एस, इधर होते हैं पी, जो हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा स्टूडेंट्स, वो होगा लास्ट बट वन, ठीक है। ये तो एन का वर्ड हमारे पास मीनिंग था आउटर मोस्ट, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी, ठीक है, आउटर मोस्ट था। बट इसका लास्ट तो माइनस कर देंगे, लास्ट बोला ना वर्ड, लास्ट बट वन, बट वन, ठीक है, तो उसमें इसे माइनस हम वन कर देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एन माइनस वन शेल में इलेक्ट्रॉन जो करेंगे ऐड होंगे, ठीक है। तो डी में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एन एस तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो जे इन एलिमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरी होती है, सेकेंड होती है, थर्ड होती है। फर्स्ट स्टार्ट होती हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक होती हैं, ठीक है, इसमें 3D ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। सेकंड में हमारे पास जर्ट्रमियम टू कैडमियम होती है, इसमें क्या होती हैं, 4D ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। थर्ड में हमारे पास लैंथेनम टू हैफिनम देन टू मर्करी, इसमें क्या होती है, 5D ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है। तो नेक्स्ट हम टॉप अपना जो पोर्शन है लेते हैं, वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एफ ऑर्बिटल, ठीक है। एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो ऐड करेगा, ठीक है, ऑफ देयर एटम्स, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक में हमारे पास अल्टीमेट शेल था, ठीक है, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है टू द थर्ड टू द आउटर मोस्ट एन माइनस टू, ठीक है। वन तो हमारे पास ये है ही, ठीक है, वन हमारे पास डी वाला बन गया, मान लो टू जे वाला गया, तो लास्ट टू द थर्ड, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी नल्टीमेट एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसे हम प्री नल्टीमेट भी, ठीक है, बोलते हैं। इसका नदर नेम क्या है, प्री नल्टीमेट, ज़्यादातर बुक्स में जे नहीं, ठीक है, प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, आप नोट कर लें इसको, इसे हम प्री नल्टीमेट भी बोलते हैं, ठीक है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ वही मैं आपको, एन माइनस टू एफ, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। जो सेकंड सीरीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई, सो वाई इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज दे फॉर्म ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनके इनर में होती है जो, ठीक है, तो ट्रांजिशन सीरीज बनाती है विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही अपनी एक ट्रांजिशन सीरीज और बना देती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारे पास जर्नल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसको हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। ये वाला है फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, दैट इज द फोर्थ ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है। इसमें ग्रुप 1 to 2 आएंगे, तो 1 to 2 एन एस, 1 to 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पी ब्लॉक में हमारे पास 13 to 17 ग्रुप, 18 में हमारे पास क्या आती है, नोबल गैसेज आती हैं,
ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब तो जी। तो जो हमारे पास बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें ग्रुप 3 to 12 आते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है। इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक वाले होते हैं, ठीक है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है। क्लियर है? आते हैं हमारे मुद्दे की बात में, जो नल्टीमेट शेल है वो क्या होता है। ठीक है, जो नल्टीमेट शेल होता है ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं विद इन दी वेरियस शेल्स। ठीक है, वेरियस सेल हमारे पास बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है तो वेरियस सब सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो दी शेल अंडर दी वेलेंस शेल, जो वाला वेलेंस शेल जो कि अंडर जो वाला शेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नल्टीमेट शेल। ठीक है, क्लियर है। जो एंटी नल्टीमेट शेल होता है वो क्या होता है, दी शेल दैट इज इंटरनल टू दी नल्टीमेट, जो नल्टीमेट के भी बीच वाला अंदरला होगा, ठीक है, इंटरनल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी नल्टीमेट। ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन फॉर सोडियम। लाइक इसमें क्या है, जो बार वाला है उसे हम अल्टीमेट शेल और वेलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, अल्टीमेट शेल और वेलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसके भी अंदरला होगा, ठीक है, वेलेंस शेल के अंदरला होगा उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वाले को बोलेंगे नल्टीमेट शेल। ठीक है, जो एंटी नल्टीमेट शेल होता है, ठीक है, वो नल्टीमेट शेल के भी क्या होता है, अंदरला होता है। ठीक है, तो क्लियर है, दैट इज द एंटी नल्टीमेट शेल, दैट इज द नल्टीमेट, दैट इज द वेलेंस शेल। ठीक है, तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल की हमने बात की थी, ठीक है, आउटर मोस्ट एनर्जी शेल था हमारे पास, उसे हम वेलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, वेलेंस शेल वाले ही इलेक्ट्रॉन ही हम उसके में, ठीक है, टेक इन टू अकाउंट करते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास 1s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 2s2 होता है, 2s1 होता है, लाइक, ठीक है, तो जो हमारे पास वेलेंस होता है वो 2s ही होगा। ठीक, तो जो वेलेंस सेल हमारे पास क्या होता है, आउटर मोस्ट। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो, ठीक है, जो मैं वीडियो में जो भी टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है, स्पेशली जे वाली अल्टीमेट और एंटी अल्टीमेट शेल। ठीक है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माय चैनल, ठीक है, दी लर्निंग चैनल, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, मेरे चैनल को टू सी मोर वीडियोस, प्रेस दी बेल आइकन सो दैट आप जो, ठीक है, वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले आ जाए। तो कीप सपोर्टिंग माय चैनल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं इसमें मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, सो कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है, लाइक कमेंट एंड शेयर। अगर आपको कोई भी, ठीक है, टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शेयर कर दें आपके, ठीक है, जो फ्रेंड्स होते हैं फ्रेंड सर्कल में भी आप शेयर कर दें, ठीक है, मेरे चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू सी माई वीडियो।